अभी तक जो तुम लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा और बार बार हम लोगों ने देखा कि पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज़ रिलेटिव, विच इज़ लाइक ऑलवेज चेंजिंग. एक देश जो आज शक्तिशाली है वो कल कम शक्तिशाली हो सकता है. और जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है. देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड ऑल द कंट्रीज आर स्ट्राइविंग टू बिकम मोर पावरफुल. दे आर स्ट्राइविंग टू गेट मोर पावर, गेट मोर आर्म्स, इंक्रीज देयर आर्मी. तो वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि उनकी शक्ति बढ़े, उसमें वृद्धि हो. और अगर देश शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, विश्व में एक डिसबैलेंस की या वैषम्य अवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है. और जैसा कि मनुष्यों में होता है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसको प्रभावित करने की, उसके निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसी तरीके से हम शक्ति संतुलन को भी देखते हैं. शक्ति संतुलन का मतलब क्या है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में कम से कम एक बैलेंस रहे जिससे उनमें युद्ध ना हो. एज लॉन्ग एज देयर इज़ बैलेंस ऑफ पावर देयर इज़ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर. वेन एवर दिस बैलेंस गेट्स टिल्टेड, दैट मीन्स वेन एवर देयर इज़ डिसबैलेंस अमंगस्ट वेरियस स्टेट्स, वॉट हैपन्स, चांसेज ऑफ वॉर विल इंक्रीज. तो बैलेंस ऑफ पावर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत पुराना प्रत्यय है. और हमारे एक राजनीतिक विचारक कैसलरे ने शक्ति संतुलन को डिफाइन करते हुए कहा कि शक्ति संतुलन क्या है, राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र परिवारों के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके. नो कंट्री शुड बी अलाउड टू ग्रो दैट पावरफुल दैट इट इन्फ्लुएंसेस, दैट इट इम्पैक्ट्स द डिसीजंस ऑफ अदर नेशंस. दूसरे राष्ट्र की शक्ति को वो प्रभावित करने की क्षमता न ले सके या उन पर अपनी इच्छा को लादने की शक्ति न हासिल करे. ऐसा एक जो बैलेंस है, ऐसी जो साम्यावस्था है वो बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसे ही बैलेंस ऑफ पावर कहा गया है. अब बैलेंस ऑफ पावर के विषय में आपने देखा था कि दो तरीके का हो सकता है, सरल सिंपल या बहुमुखी या मल्टीपल. सरल का मतलब क्या हुआ था कि जब मुख्यतः दो राज्य हैं, दो विरोधी गुट हैं जिनके बीच में बैलेंस बना हुआ है. दूसरी ओर बहुमुखी का मतलब कि देयर आर मैनी स्टेट्स इन्वॉल्व इन बैलेंस ऑफ पावर. अब इसका उदाहरण हम लोगों ने कोल्ड वॉर के दौरान दो बड़ी शक्तियों कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में देखा था. इन दोनों गुटों के बीच में जो बैलेंस था दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सिंपल बैलेंस बिकॉज द बैलेंस वॉज बिटवीन टू ब्लॉक्स. ऑल्दो अल्टीमेटली इट वॉज बैलेंस बिटवीन टू स्टेट्स, दैट इज USSR एंड USA. आगे के समय में 1980 के दशक में हम देखते हैं कि ये जो बैलेंस था वो मल्टीपल बन गया, बहुमुखी बैलेंस बन गया. बहुमुखी का मतलब कि अब क्या हुआ कि इसमें कई राज्य शामिल हो गए बैलेंस ऑफ पावर की प्रक्रिया में. पीछे हम लोगों ने जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों को पढ़ा था तब भी ये देखा था कि मल्टीपल बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अब USA और USSR ही नहीं बल्कि उसमें जापान, चीन, गुटनिरपेक्ष देश इत्यादि भी बैलेंस को इन्फ्लुएंस करने लगे, जिसको हमने मल्टीलेटरलिज्म का, बहुपक्षवाद का भी नाम दिया था. और आज भी स्थिति हम बहुपक्षवाद की ही देखते हैं. तो बहुमुखी संतुलन और सरल संतुलन, दो प्रकार के संतुलन हो सकते हैं. शक्ति संतुलन के विषय में जब हम लोगों ने चर्चा की तो उसमें मान्यताओं के बारे में भी बात की थी कि क्विंसी राइट कुछ बेसिक अजम्पशंस बताते हैं. व्हाट आर दी अजम्पशंस, कि प्रत्येक राज्य के कुछ मार्मिक हित होते हैं जिनके ऊपर अगर युद्ध होता है, जिनके ऊपर अगर आघात होता है तो राज्य युद्ध करने के लिए भी तत्पर होते हैं.
राज्य इनकी रक्षा करने के लिए युद्ध को भी एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मान्यता क्या है कि राज्यों के महत्वपूर्ण हितों को निरंतर खतरा रहता है, हमेशा देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज टू द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। राज्य शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहते हैं और इसके लिए राज्य निरंतर अपनी शक्ति का आकलन करते रहते हैं। ये भी देखा गया है कि राज्य तब तक युद्ध में शामिल नहीं होते हैं जब तक कि उनको यह भरोसा ना हो कि उनके पास जो शक्ति है वो दूसरे राज्य के मुकाबले अधिक है। इसी से ये बात निकलती है कि राज्यों की शक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है और ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरे राष्ट्र की शक्ति कितनी होगी। इसके अलावा राजनेता, किसी भी देश के नेता, अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपने शक्ति की सूझबूझ के साथ करते हैं, यानी उनकी कितनी शक्ति है इसके आधार पर ही वो अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। तो आपने देखा कि शक्ति संतुलन का प्रत्यय विदेश नीति के निर्माण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है और राज्य अपने जो डिसीजंस लेते हैं लाइक वेदर दे शुड एंटर अ वॉर विद सम कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन देयर पावर, कितना उनकी शक्ति है उस पर निर्भर करेगा। अब शक्ति संतुलन को कैसे स्थापित किया जाए? आपने तो देखा कि शक्ति संतुलन को राज्य निरंतर बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कैसे? क्योंकि राज्य बराबर शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अगर वो लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। तो शक्ति संतुलन निरंतर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है और जब कभी वैषम्यावस्था होगी तो युद्ध होगा, ये भी हमने देखा। इसलिए विश्व शांति के लिए क्या ज़रूरी है कि शक्ति संतुलन स्थापित हो। अब राज्य क्या क्या तरीके अपनाते हैं शक्ति संतुलन को स्थापित करने का या शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का, क्योंकि प्रत्येक देश यही चाहता है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो मुख्य रूप से 6 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति या मुआवजा। मुआवजा, क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंजेस करना, टेरिटरी का एक्सचेंज करना, प्रदेशों का एक्सचेंज करना, या जैसे आपने देखा कि 2 विश्व युद्धों के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी को कमज़ोर बनाने के लिए, उसकी शक्ति को कम करने के लिए न केवल उसको डिसइंटीग्रेट किया गया जर्मन एम्पायर को, बल्कि और क्या किया गया, उसको कंपनसेशन देने के लिए भी फोर्स किया गया कि वो क्षतिपूर्ति दे। क्षतिपूर्ति किस रूप में? सामान के रूप में, कोयला के रूप में, या गोल्ड के रूप में, या बने हुए सामान के रूप में। और बने हुए सामान के रूप में जो क्षतिपूर्ति ब्रिटेन वगैरह मित्र पक्ष के देशों को प्राप्त हुई, वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने भारत जैसे जो कॉलोनीज थी उनको वहाँ पर लाकर बेचने का कार्य किया। तो कंपनसेशन, हर्जाना एक तरीका है जिसके माध्यम से भी राज्य अपने पक्ष में शक्ति संतुलन को करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने के लिए दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे अमेरिका के लिए ये कहा जाता रहा है, 1990 के बाद स्पेशली कहा गया कि अमेरिका के द्वारा विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया जिससे उसकी डोमिनेंस स्थापित हो और वे उसके प्रभाव में आकर निर्णय लें। इसके अतिरिक्त बफर स्टेट का निर्माण, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब 2 बड़े गैर मित्र देशों के बीच में स्थित एक छोटा दुर्बल देश जिसको बफर बनाया जा सकता है और दोनों जो बड़े गैर मित्र देश हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलने से रोका जा सकता है जिससे उनके बीच में युद्ध की संभावना ना हो। ये जो मध्यवर्ती राज्य होते हैं वे तटस्थ देश भी हो सकते हैं। तटस्थ देश की जब हम चर्चा करते हैं तो
यूरोप में जैसे स्विट्ज़रलैंड का नाम लिया जा सकता है, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब के मध्य में स्थित है। इट इज़ अ लैंड लॉक्ड स्टेट, और ये एक तटस्थ देश के रूप में इन बाकी राज्यों को भी बैलेंस करता है। भारत और चीन के बीच में नेपाल को बफर स्टेट के रूप में देखा जाता है, कि एक ऐसा छोटा देश जो निर्बल है और दो बड़े देशों के बीच में वो बैलेंस बनाने का कार्य करता है। फिर आर्मामेंट, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड ऑफ ट्राइंग टू टिल्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन वंस फेवर। आर्मामेंट या शस्त्रीकरण, ये एक प्रधान साधन है शक्ति संतुलन को बनाए रखने का या उसे उसकी पुनर्स्थापना करने का। आपको समझ में आ रहा है इससे? शस्त्रीकरण का अर्थ है नए शस्त्रों का निर्माण, शस्त्रों का विस्तार करना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तो राष्ट्र निरंतर अपने शस्त्रास्त्र को बढ़ाते रहते हैं और अपने प्रतिस्पर्धी को देखकर, अपना जो उसका ओपोनेंट है उसको देखकर वे उसकी प्रतियोगिता में अपने शस्त्रों का निर्माण करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो प्रतिस्पर्धा शस्त्रों की चली, उसने विश्व में एक संकट उत्पन्न कर दिया था और इस आर्म्स रेस को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। तो दोनों ही देशों के द्वारा नए से नए शस्त्रों को बनाने के लिए रिसर्च किया गया, विज्ञान का प्रयोग किया गया, तकनीकी का प्रयोग किया गया। जहां अमेरिका ने एटम बम का सबसे पहले निर्माण किया और प्रयोग किया 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में, तो फिर उसके बाद सोवियत संघ के द्वारा भी यही प्रयास किया गया और उसने भी और आधुनिक बम बनाने की कोशिश की। और इस कोशिश ने क्या किया, एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की आशंका को खड़ा कर दिया, क्योंकि नया से नया नाभिकीय शस्त्र बनाने की कोशिश दोनों देशों के द्वारा की गई। और 1980 में जब रीगन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तब तो ये जो होड़ थी वो स्पेस तक पहुंच गई और इसको स्टार वॉर्स का नाम दिया गया, यानी स्पेस में अब एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उपग्रहों को छोड़ा गया। तो हम देख सकते हैं कि शस्त्रों की दौड़ राष्ट्रों के द्वारा अपनाई जाती रही है। अगर आप रीजनल लेवल पर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक लंबे समय से कोल्ड वॉर चल रहा है। 1971 के बाद से युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर चल रहा है। और इसी के तहत दोनों देशों के द्वारा, जैसे भारत ने अगर 1974 में नाभिकीय परीक्षण किया तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया, इसी प्रकार से 1998 में भी। तो दोनों देशों के बीच में ये शस्त्रों की दौड़ बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने के लिए की गई। तो राष्ट्रों के द्वारा शस्त्रों को बढ़ाकर शक्ति संतुलन को बदला जा सकता है, यानी शक्ति संतुलन को लाने के लिए हमको निरस्त्रीकरण करना चाहिए, डिसआर्मामेंट। बट द क्वेश्चन इज इफ डिसआर्मामेंट कैन लाइक लीड टू बैलेंस ऑफ पावर। अगर निरस्त्रीकरण होगा तो क्या राष्ट्र सुरक्षित हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रायः यह देखा गया कि अगर निरस्त्रीकरण होगा तो उससे शक्ति संतुलन कुछ समय के लिए तो बन सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। जर्मनी जो दो विश्व युद्धों के बीच का था, उसके उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि उसकी सेना को कम किया गया, उसके ऊपर हर्जाना लगाया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी बहुत असुरक्षित हुआ और उसने अपने मौका पाते ही उसने अपनी सेना को पुनः बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के द्वारा भी शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में किया जा सकता है। राज्य फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाते हैं, जिससे शत्रु आपस में न मिल सकें और उनमें फूट बनी रहे और वे कमज़ोर हो जाए। इस नीति का प्रयोग जर्मनी में बिस्मार्क के द्वारा भी किया गया, जिससे उसको 20 वर्ष तक अब शत्रुओं की लड़ाई की वजह से उसे अपने विकास का मौका मिला। यही नीति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र पक्ष ने अपनाई, जब ब्रिटेन ने जापान और इटली को राज्य प्रदेशों का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया 1915 में। तो विभाजन करो या फूट डालो और राज्य करो की नीति के माध्यम से दूसरे देशों को प्रलोभन देकर
उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है और इस प्रकार बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष पे टिल्ट किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। फिर इसके अलावा मैत्री संधि, अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस। बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए राज्य संधियों का भी प्रयोग करते हैं और इसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक देश ए जो बहुत बड़ा है, जो बहुत शक्तिशाली है, अब इसको छोटे दूसरे देश बी सी डी ये अकेले बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, वे ए के खिलाफ एक अलायंस क्रिएट कर लेंगे, यानी बी सी और डी मिलकर एक संधि कर लेंगे और संधि के कारण जो उनमें एकता उत्पन्न होगी उस संधि के माध्यम से, गुट के माध्यम से वे ए की शक्ति को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर को लाने में संश्रय, जैसा कि कौटिल्य ने भी बताया था संश्रय के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर कभी राज्य को लगे कि वो कमज़ोर है तो उसे दूसरे मजबूत देश के साथ संधि कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि उसने ड्यूअल पॉलिसी भी बताई थी कि जितने दिन ज़रूरत है उतने दिन संधि करके, अलायंस करके बैलेंस करें शत्रु को और इस बीच में अपने आप को मजबूत बना लें और उसके बाद फिर मार्च की नीति को भी, युद्ध की नीति को भी अपनाया जा सकता है, यान की नीति को अपनाया जा सकता है। तो मॉर्गेंथो कहते हैं कि आपस में जो राष्ट्र प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं उनके सामने अपने शक्ति संबंधों को सुधारने के कुछ तरीके हो सकते हैं और उनमें से एक अलायंस है जिससे वे मैत्री संधि कर सकते हैं अपने शत्रु के शत्रुओं के साथ में। तो मित्र बनाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आवश्यक है, अपने हित के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है और प्रायः राज्य इस प्रकार की अलायंसेस को करते रहते हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने नाटो और वार्सॉ पैक्ट, ओके लेट मी सी।